आरा प्रत्यय लगने
कसी या रा, मतलब घास काटने वाला। फिर आदि प्रत्यय, तो आदि प्रत्यय आदि से जैसे शिकार, तो क्या हो जाएगा शिकारी। फिर बाद प्रत्यय, तो दगा तो क्या हो जाएगा दगा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दगाबाज, जिसका जमाना है अच्छा धोखा धोखेबाज। तो कर्तृवाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञाएं ऐसे नाम जो जिनसे क्रिया के करने वाले का नाम पता चले उन्हें कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञाएं ज्यादातर क्रियाओं में से बनती हैं और उसमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं पीछे लगेंगे, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। अब अक्कर आ दी गई, रश्वई का ता धर आई वान दार घर ची आरा आरी और बात जैसे प्रत्ययों से कर्तृवाचक संज्ञाएं बनती है। तो हमने यहाँ हमारा संज्ञा पाठ पूर्ण किया। संज्ञा मतलब किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी पदार्थ जगह द्रव्य और मन की इच्छा तथा भावों के नाम को सूचित करने वाले शब्द। संज्ञा के पांच प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक विशेषण और क्रियाओं में प्रत्यय लगने से बनती हैं। फिर एक नया ही प्रकार बिल्कुल हमने सीखा कर्तृवाचक संज्ञा, मतलब संज्ञा के ऐसे ऐसे नाम ऐसी संज्ञा जिससे क्रिया के करने वाले का नाम पता चले उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं, वो भी क्रियाओं में पीछे प्रत्यय।